out again. My name is Shubham Jagdish and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज का वीडियो मार्केटिंग मिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस मिक्स। काफी बड़ा टॉपिक है ये, एक एक करके ये शायद मैं दो पार्ट में कवर करके आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाऊंगा। प्लेस मिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है और ये अपने आप में ही पांच नंबर की वेटेज रखता है, या तो ये पांच नंबर का अकेले पूछ लिया जाएगा या इसके छोटे छोटे क्वेश्चन तीन नंबर में, चार नंबर में, दो नंबर में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो प्लेस मिक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जरा फटाफट से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और इसके सिलेबस में क्या है ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसके सिलेबस में है बेटा मीनिंग। ये प्लेस मिक्स होता क्या है उसकी मीनिंग, तो मीनिंग मैं बता दूं, अगर मान लेते हैं कि ये है फैक्ट्री और ये है कस्टमर, तो प्लेस मिक्स का मतलब होता है कि फैक्ट्री से कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, उसके लिए यूज होता है प्लेस मिक्स। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको मैंने क्या बोला, फैक्ट्री से सामान कस्टमर के पास किस मींस से पहुंचेगा उसको बोलते हैं अपन लोग प्लेस मिक्स। ठीक है ना, यहां तक समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और उस पर देखते हैं कि हमारे अगले इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिलेबस में क्या क्या है। इसके बाद है हमारे पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स। दूसरा टॉपिक क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले मीनिंग तो कह रही है कि सामान फैक्ट्री से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, ये होता है प्लेस मिक्स। चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किस तरह के चैनल्स फॉलो कर सकते हैं ताकि सामान फैक्ट्री से कस्टमर के पास पहुंच जाए। तो पहला लेवल ऑफ चैनल होता है जिसको डायरेक्ट चैनल भी बोलते हैं या जीरो लेवल चैनल बोलते हैं बेटा, जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल का मतलब क्या है भाई, सीधा सामान मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच जाए, बीच में कोई भी आदमी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास को बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, या दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्ट चैनल। उसके बाद आते हैं दूसरा है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल, अच्छा भाई वन लेवल चैनल क्या होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर होता है, बीच में मेरे भाई एक रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। रिटेलर कौन होता है, जो बीच का हेल्पिंग हैंड, ठीक है ना, जो सामान बेचने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरर ने सामान बेच दिया रिटेलर को, बीच का एक पार्टी, और रिटेलर से सीधा कस्टमर ने खरीद लिया, इसको बोलते हैं हम लोग वन लेवल चैनल। आगे बढ़ते हैं और अभी आगे डिसाइड भी करेंगे कि भैया कौन सा चैनल किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी हम लोग सीख रहे हैं कितने लेवल्स ऑफ चैनल्स होते हैं। तो भैया जीरो लेवल पढ़ लिया, वन लेवल पढ़ लिया, तो सिमिलरली अगला हो गया हमारा टू लेवल चैनल। अगला है हमारा टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल का मतलब क्या हुआ भैया, पहले आया मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आया होलसेलर, होलसेलर जो बल्क में सामान खरीदता है ना, रिटेलर, फिर कस्टमर। पहले मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। ठीक है ना, तो ये हो गया टू लेवल चैनल। और लास्ट पढ़ने हैं हम लोग थ्री लेवल चैनल। अच्छा भाई ये थ्री लेवल चैनल क्या होता है, देख लो, थ्री लेवल चैनल में बीच में एक एजेंट आ जाता है। एजेंट क्या, जैसे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने तो सारा सामान बेच दिया एजेंट को, अब एजेंट बेच रहा है आगे होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर। तो ये साइकिल फॉलो होती है, सबसे बड़ी साइकिल है। तो भाई मैन्युफैक्चरर ने अपना एजेंट को सामान बेचा, अपना किनारे हो गया भैया, अब आगे एजेंट होलसेलर को बेचे, रिटेलर को बेचे, कस्टमर को बेचे, सब उसका हेडेक। तो इतने लेवल्स ऑफ चैनल्स हैं, चार लेवल्स ऑफ चैनल है। पहला डायरेक्ट मतलब जीरो लेवल चैनल, जिसमें होलसेलर ने सीधा, सॉरी, जिसमें मैन्युफैक्चरर ने सीधा सामान कस्टमर को बेच दिया। फिर वन लेवल चैनल आया, जिसमें उसके बाद क्या आया, एक बीच में मीडियोकर आ गया, मीडिएटर आ गया, उसको क्या बोला, मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। फिर टू लेवल चैनल आ गया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। और थ्री लेवल चैनल में एजेंट बीच में आ गया, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। इस तरह के हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस हाउस किस तरह का चैनल सेलेक्ट करेगा। तो अगला जो टॉपिक है ना, वो है चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह के बिजनेस हाउस को, किस तरह के प्रोडक्ट को, किस तरह के चैनल के थ्रू सेल करना चाहिए,
चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना तय है पेपर में। तो चलो भाई देखते हैं पहला क्या है। पहला जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, सामान से रिलेटेड फैक्टर्स, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हमको डिसाइड करके बताएंगे कि भैया सामान किस चैनल से बेचना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला चीज लिखा हुआ है यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू, यूनिट वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर तो सामान कॉस्टली है, अगर सामान ना कॉस्टली है तो जनरली कॉस्टली प्रोडक्ट्स को हम लोग डायरेक्ट चैनल से या वन लेवल चैनल से, ये वन लेवल भी नहीं, डायरेक्ट चैनल से ही हम लोग जीरो लेवल चैनल से इसको बेचते हैं। ज्वेलरीज वगैरह क्या होता है वो डायरेक्ट चैनल से बिकती है। जो कॉस्टली प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट चैनल, और जो कॉस्टली नहीं है, लेस कॉस्टली है या चीपर है वो इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल कोई भी हो सकता है भाई। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या हो गया भैया, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, ये सारी चीजें। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आई? तो चीपर प्रोडक्ट्स लॉन्गर चैनल, शॉर्ट में लिखकर बता रहा हूं, कीवर्ड्स हैं ये, नोट करते चलो साथ में बेटा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो यूनिट वैल्यू के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर ले जाओगे ना भाई, अगर कॉस्टली है तो डायरेक्ट चैनल और चीपर है तो लॉन्गर चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेरिशेबिलिटी आता है, नेक्स्ट पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब सामान खराब तो नहीं हो जाएगा। तो अगर पेरिशेबल है प्रोडक्ट, खराब होने वाले प्रोडक्ट है तो उसमें डायरेक्ट चैनल, और अगर नॉन पेरिशेबल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा, नॉन पेरिशेबल है तो उसमें भाई इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है ना, मतलब लॉन्गर चैनल। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आई? फिर क्या है भाई, सी, बल्क एंड वेट। बल्क एंड वेट मतलब अगर बल्की प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट आपके बल्की है, वेटेड है, तो उस केस में डायरेक्ट चैनल, और अगर लाइट है तो उस केस में इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्गर चैनल। भैया तो मशीनरी बेच रहे हो बड़ी बड़ी, बहुत बल्की बल्की प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो उस पर सीधा डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल होता है। बाकी जो लाइट वेट है, कहीं से भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्गर चैनल। फिर आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तीन पॉइंट बता दिए, कम से कम चार चार तो सबको पढ़ने ही पड़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन में देखो, अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो लॉन्गर चैनल में चल जाएगा, किसी भी चैनल से बेचो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो भाई चल जाएगा। और अगर कस्टमाइज्ड है, टेलर मेड है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल होगा। भाई बात, शादी जब होती है किसी की, तो अगर सूट खरीदना है और जनरलाइज सूट खरीद रहा है किसी भी कंपनी का, तो जाके खरीद लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, दुकान में मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको मनीष मल्होत्रा से ही बनवाना है तो मनीष मल्होत्रा ही आपको सीधा आके बेचेंगे, वो डायरेक्ट चैनल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट और दे रखा है क्वेश्चन पे आपके बुक में, तो वो भी नोट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है भाई, अगर गुड्स कॉम्प्लेक्स है, कोई मतलब कॉम्प्लेक्स मशीनरी वगैरह है, तो उसके लिए डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है, कोई भी देख के कोई भी समझ सकता है, तो उसके लिए लॉन्गर चैनल इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में कोई चार पॉइंट प्रिपेयर कर लो, मैंने पांच लिख दिए हैं। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट के बेसिस पर कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है, चॉइस ऑफ चैनल, वो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। पहला हो गया भाई प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, अब अपन आते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स पे। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स क्या कहते हैं भाई, अब कैसी कैसी मार्केट, इसके अंदर पॉइंट पढ़ते हैं। पहला, नेचर ऑफ द मार्केट, नेचर ऑफ द मार्केट। अब नेचर ऑफ द मार्केट में क्या आता है भाई, अगर अगर जो भी कंपनी है वो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है, इंडस्ट्रियल, तो उसके लिए डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स बनाती है, कस्टमर के कंज्यूम करने वाले, तो उसके लिए इनडायरेक्ट चैनल। अब ऐसा तो नहीं कोई मशीनरी खरीदनी हो तो भैया पीछे वाली परचून की दुकान पर मिल रही है, ऐसा तो नहीं है ना, बिग बाजार में जा रहे हैं मशीनरी खरीद के चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए डायरेक्ट चैनल होता है, कंपनी के स्टोर पे जाना पड़ता है आपको। और लेकिन आप जो कस्टमर गुड्स हैं उनके लिए आप इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिग बाजार में जाकर सामान खरीद लेंगे, स्पेंसर का सामान खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या बगल वाले भैया की जो दुकान है वहां से भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है आपने? इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब लॉन्गर चैनल, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। चलो आगे आते हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट। अगर किसी भी मार्केट में बहुत कम कस्टमर्स हैं, बहुत थोड़े से कस्टमर, फ्यू कस्टमर्स, वहां पर डायरेक्ट चैनल ले लो,
और अगर कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल लेते हैं, लार्ज कस्टमर्स वहां पर लॉन्गर चैनल इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है भाई। अगर भाई साइज ऑफ द मार्केट छोटी है, मुझे पता है भाई यहाँ पर 10 कस्टमर है, तो वहां पर क्यों किसी बीच के आदमी को रखो, पैसा बर्बाद करो, सीधा जाके सामान भेज दो। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ी है तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल इस्तेमाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इसके अंदर, जो कि है ज्योग्राफिकल सिचुएशन। ज्योग्राफिकल सिचुएशन ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन का मतलब क्या है? अगर आपके बायर्स एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है तो डायरेक्ट चैनल, अगर आपके जो बायर्स हैं वो वाइडली स्कैटर्ड हैं तो वहां पर हम लोग लॉन्गर चैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसमें क्या लिखे, इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड इन वन एरिया, मतलब आपके जो बायर्स हैं वो एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है तो उस जगह पर कौन सा चैनल इस्तेमाल करते हैं अपन लोग, डायरेक्ट। और अगर वाइडली स्कैटर्ड हैं तो वहां पर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोले तो लॉन्गर। क्लियर? या तो बात समझ में आई, ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी समझ में आ गया। अब देखो साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर, इसका फोर्थ पॉइंट है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर। साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आपके बड़े फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लोग ऑर्डर्स करते हैं, तो वहां पर हम लोग इनडायरेक्ट चैनल यूज करते हैं। लेकिन अगर बहुत आपके जो ऑर्डर्स हैं बहुत इनफ्रीक्वेंट हैं और बल्क में हैं, एक साथ बुला लेते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट चैनल, मतलब कभी कभी लोग ऑर्डर कर रहे हैं और ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां पर सीधा डायरेक्ट चैनल यूज होता है, और अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल यूज होता है। तो भाई यहां तक मैंने आपको बता दिया, दो फैक्टर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, ये टॉपिक आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो भैया इसका थर्ड क्या है? मैंने प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स बता दिए, मैंने मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स बता दिए। अब आते हैं बच्चा लोग हम लोग थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है मेरा कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। ये कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं मेरे भाई? पहला होता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब ये समझना, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, मतलब वो अपना नेटवर्किंग खुद रख सकती है, खुद बना सकती है, तो वो डायरेक्ट चैनल यूज करती है, और उतना साउंड नहीं है, लेस साउंड है, तो वो इनडायरेक्ट चैनल यूज करती है। मतलब बहुत अगर आपने किसी ने सुना होगा रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स आते थे, रिलायंस के पास बहुत पैसा है, उसने अपना खुद का रिटेलिंग यूनिट खोल दी, ठीक है ना, तो भैया वो डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करती है। लेकिन बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट चैनल से सामान बेच रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते। उसके बाद पहला पॉइंट तो हो गया फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फिर डिजायर ऑफ कंट्रोल, डिजायर ऑफ कंट्रोल। अब कुछ बिजनेस हाउसेस होते हैं वो चाहते हैं कि फुल कंट्रोल रहे मेरा सप्लाई पर, तो वहां पर उनको डायरेक्ट चैनल से ही बेचना पड़ता है, क्योंकि उनको फुल कंट्रोल चाहिए, और जिसको फुल कंट्रोल नहीं चाहिए उसको इनडायरेक्ट चैनल से सामान बेच देना, ठीक है ना भाई, सिंपल। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसके अंदर केवल तीन पॉइंट्स ही हमारे को किताब में दे रखा है सीबी गुप्ता में, तो तीन ही पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आपका आउटपुट लार्ज है, बहुत आउटपुट है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा गुड्स आप सेल करते हो, तो वहां पर डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपका लेस है आउटपुट तो वहां पर इनडायरेक्ट चैनल, थोड़े से ही सामान बेचना है तो काहे को अपनी यूनिट सेट कर करने। तो कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स समझ में आए आपको, तीन फैक्टर्स इसके अंदर हैं। और अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स। में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, केवल चार पढ़ेंगे, लेकिन नंबर मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स, मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स। और देखिए मिडिलमैन सब लोग समझते हैं ना, बीच के दलाल जो होते हैं। फोर्थ है मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स। अब ये भाई मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर क्या है? पहला क्या है, अवेलेबिलिटी। अगर किसी एरिया में मिडिलमैन अवेलेबल ही नहीं, अगर अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबिलिटी अगर नहीं है, नो अवेलेबिलिटी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चैनल।
और अगर जहां पर अवेलेबिलिटी है वहां पर इनडायरेक्ट चैनल। सिंपल, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, कॉस्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट हमको किताब में दे रखा है, अगर 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 हमको मिडिलमैन अफोर्ड करना बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है, तब वहां पर हम लोगों को मिडिलमैन से सामान नहीं बेचना है। और अगर हमको बहुत कॉस्टली नहीं पड़ रहा है, चीपर पड़ रहा है, अगर भैया हम अपना डायरेक्ट चैनल सेटअप कर रहे हैं उस पर कम पैसा खर्चा हो रहा है, मिडिलमैन को दे रहे हैं उसमें ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो मिडिलमैन को क्यों अफोर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो कॉस्ट वाला पॉइंट समझ में आया आपको। फिर देखिए थर्ड, सर्विसेस। अब क्या ना, मिडिलमैन आज के डेट में बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगे, जैसे आफ्टर सेल्स का पूरा काम मिडिलमैन ने ले लिया, ठीक है, गारंटी वारंटी का काम मिडिलमैन ने ले लिया, तो बाकी अगर इतने सारे जो टैंट्रम्स हैं वो मिडिलमैन झेल लेगा, या फाइनेंस भी मिडिलमैन लगाने को तैयार हो गया, भैया नो क्रेडिट पर सामान जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो उस केस में हम प्रॉफिटेबल समझते हैं, इसलिए हम मिडिलमैन के थ्रू काम करेंगे। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या, अगर मिडिलमैन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हम मिडिलमैन को चूज कर लेंगे, और अगर मिडिलमैन कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हमारे लिए यूजलेस है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। और फिर लास्ट पे पढ़ते हैं सेल्स पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्स पोटेंशियल का काम क्या है भाई, अगर कोई भी मिडिलमैन, ठीक है ना, का बहुत तगड़ा सेल्स है, बहुत तगड़ा मार्केट पे कंट्रोल है, तो हम लोग ना वहां पर खुद जाके सामान नहीं बेचेंगे, हम सोचेंगे भैया हम इसी आदमी को देते हैं ये सामान बेचते हैं। अगर अगर आप में से कोई ट्रेडिंग का काम करता हो और आपका मार्केट में बहुत पकड़ है, तो आपके पास बहुत सारी कंपनी जाती होगी, भैया हमारा सामान बेच दो, हमारा सामान बेच दो, हमारा सामान बेच दो, तो वहां पर कंपनी अपना चैनल नहीं सेटअप करती है, देखती कि मिडिलमैन का बड़ा पकड़ है इस एरिया में, तो मिडिलमैन को सामान दो और नक्की करो। क्लियर है कि नहीं? अब आपको यहां तक चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। अब एक टॉपिक बचा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कल आएगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो वीडियोस हैं वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आते हैं, सैटरडे संडे आपको रिलैक्स करने को मिलता है, ताकि आप बाकी सारा जो पोर्शन मैंने पूरे हफ्ते पढ़ाया है वो प्रिपेयर कर लो, और मुझे टाइम मिलता है दो दिनों का, जिसमें मैं प्रिपेयर करता हूं कि अगले हफ्ते में आपको क्या पढ़ाना है। तो दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ क्लास, और ये चीजें बंद नहीं होनी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करते रहो, और अपने जूनियर्स से बताओ कि ऐसा भी कोई चैनल है जहां पर तुम पढ़ रहे हो, सो दैट वो भी पढ़ना शुरू करें। दिस वॉज शुभम जगदीश, बाय।